Hello guys, welcome to Basic Academy. Today we are here to talk about NTSE. तो आज हम लोग NTSE के बारे में बात करेंगे. जैसे कि आपको पता है कि NTSE का एग्ज़ाम हर साल 10th क्लास के बच्चे देते हैं, और NTSE का फुल फॉर्म नॉर्मली जिन बच्चों को NTSE देना होता है वो पता है. फिर मैं आपको बता दूँ, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम. ये एग्ज़ाम को जो बच्चे 10th क्लास में क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद जब वो 11th क्लास में जाते हैं तो उनका जोश और भी बहुत हाई हो जाता है. और उनका जोश हाई होने का बहुत बड़ा कारण है बिकॉज दे हैड बीट द कंपटीशन. उन्होंने कंपटीशन को क्रैक कर लिया है. ठीक है, तो NTSE के दो स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज. फर्स्ट स्टेज स्टेट लेवल होता है. फर्स्ट स्टेज जो हमारा होता है वो स्टेट लेवल होता है, और जो सेकेंड स्टेट होता है वो हमारा नेशनल लेवल होता है. इसमें दो होते पार्ट्स होते हैं, नंबर वन मैट और नंबर टू दैट्स द सैट. मैट में आपका आता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट इसमें आता है, और इसमें आता है स्कॉलिटिक्स एबिलिटी टेस्ट. मैट में आपका रीजनिंग के रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और सैट में आपका आता है मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस. मैथ्स आता है, साइंस आता है, और सोशल साइंस आता है. और मैथ्स के टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, साइंस के टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, और SST के टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं. तो मेन फोकस आपका साइंस और सोशल साइंस में होना चाहिए. मैथ में मेंटल एबिलिटी में आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स होंगे. सबसे बड़ी बात जो आपकी इसमें है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो उसके आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं, और आपने एक गलत हो गया तो आपके सही में से 1 मार्क्स कर देंगे. इसमें कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. सबसे बड़ी बात इसकी ये है. उसके बाद आपको NTSE देना, क्योंकि बिकॉज यू गेट स्कॉलरशिप. आप PhD कर लो, आप 11th 12th कर दो, यू विल बी गिविंग एन अमाउंट ऑफ ₹1,250 पर मंथ. हमेशा आपको 1,250 पर मंथ देते रहेंगे, और PhD टाइम आई थिंक सो इट इंक्रीजेज अबाउट 2,500, ये इंक्रीज कर जाता है. तो मैं ये मैट और सैट आपको बता क्यों रही हूँ, इसका एक मेजर कारण है. इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि आपको मेरे चैनल में NTSE के बारे में, अब से NTSE की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है. एक्चुअली आई एम ऑल्सो एन स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th. मैं भी क्लास 10th के स्टूडेंट हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे NTSE का प्रिपरेशन किस तरीके से कर रही हूँ जिससे वो आपको भी हेल्प कर जाए, उसके लिए मैं आपको आज बताने वाली हूँ. सो आई हैड बॉट 2 बुक्स फॉर मैट एंड सैट. यू नो देर इज नो नीड टू बाई एनी बुक्स. आपको कोई भी बुक्स बाई करने की जरूरत नहीं है. जो मैं अपने चैनल में आपको कराती जाऊंगी, आपको सिर्फ वही करते जाना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मैथ के टॉपिक्स बताना चाहूँगी कि मैथ्स में क्या क्या टॉपिक आते हैं. तो मैथ को टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं. जो हमारा मैथ है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. तो मैथ को हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं. एक होता है वर्बल सेक्शन, सेकेंड होता है नॉन वर्बल सेक्शन, और थर्ड होता है मैथमेटिकल रीजनिंग, या फिर उसे हम क्वांटिटेटिव सेक्शन भी कहते हैं. पहला होता है हमारा वर्बल, दूसरा होता है, मैं इसे NV लिख देता हूँ, मतलब नॉन वर्बल, और तीसरा होता है रीजनिंग. तीसरा जो हमारा आएगा वो रीजनिंग आएगा. ठीक है, अब ये जो हमारा वर्बल सेक्शन है, इसमें टोटल 9 चैप्टर्स आएंगे आपके, टोटल 9 चैप्टर्स. जो आपका नॉन वर्बल सेक्शन है उसमें टोटल 3 चैप्टर्स आएंगे, और जो आपका क्वांटिटेटिव सेक्शन या फिर रीजनिंग सेक्शन है उसमें टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे. ओके, तो 9 + 3 = 12, 12 + 4 = 16. टोटल 16 चैप्टर्स जो हैं वो हमें मैथ से कंप्लीट करना है, क्योंकि पूरे NTSE के एग्जामिनेशन में मैथ का 100 मार्क्स होता है. ओके, मैथ्स का 100 मार्क्स होता है, तो हमें सबसे पहले मैथ की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए. और मुझे इंफॉर्मेशन मिली है ऑन 16 January 2022 को आपका NTSE का एग्ज़ाम होने वाला है. जिन बच्चों ने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है, दे कैन फिल टिल
1st of November और उसको फिल करके अपने क्लास टीचर को सबमिट करना है. आई एम टॉकिंग अबाउट अकॉर्डिंग टू KVS. मैं KVS के अकॉर्डिंग आपको ये डिटेल दे रही हूँ कि 16 जनवरी 2022 को आपका पेपर है. तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वर्बल सेक्शन में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं. तो आज सबसे पहले मैं वो डिस्कस करने जा रही हूँ. तो आज हम सबसे पहले मेंटल एबिलिटी में वर्बल सेक्शन में क्या क्या कंटेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और उसके बाद हमारा टॉपिक, जो मेजर टॉपिक है, मेन टॉपिक है जिसके लिए हमने वीडियो बना रहे हैं, उसको स्टार्ट करेंगे. तो वर्बल सेक्शन में सबसे पहला आपका आएगा कोडिंग डिकोडिंग. सबसे पहले आपको आना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग. इसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग के बारे में ही क्लास लेंगे. सेकेंड थिंग जो आएगा दैट्स द कैलेंडर. थर्ड आएगा क्लॉक्स. फोर्थ आएगा पजल्स. फिफ्थ आएगा सिलोजिज्म्स. इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, ये कंबाइन है, ठीक है. उसके बाद अर्थमेटिक रीजनिंग एंड डाटा सफिशिएंसी. टोटल ये 9 टॉपिक्स हैं जो हमें वर्बल सेक्शन में कंप्लीट करना है. और आज हम इस वर्बल सेक्शन का उद्घाटन करने वाले हैं, हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं. तो इसके बाद ये तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, अब मैं इसके बाद आपको स्टार्ट करने जाऊंगी कोडिंग डिकोडिंग. ओके, सो फ्रॉम हियर यू कैन गो थ्रू द कंटेंट. दिस इज द सेकेंड पेज ऑफ द कंटेंट एंड दिस इज द थर्ड पेज ऑफ द कंटेंट. सो आई थिंक आफ्टर सीइंग द इम्पॉर्टेंट कंटेंट, आपको NTSE का बेसिक नॉलेज वगैरह तो हो ही गया होगा कि NTSE है क्या, NTSE कितने स्टेज में डिवाइडेड है, स्टेट और नेशनल स्टेज में, 200 मार्क्स का इसका पेपर होता है. तो हम सभी को ये चल के मान के चलना है कि हमें आगे चल के NTSE स्कॉलर बनना है. वॉट इज़ NTSE स्कॉलर? जब आप NTSE के एग्जाम्स के दोनों स्टेज को क्रैक कर जाते हो देन यू आर नोन एज NTSE स्कॉलर. तो हम लोगों को इस एग्जाम को फोड़ देना है, तोड़ देना है, ठीक है. तो इसलिए वेलकम और थैंक यू हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए. अब हमारे नेक्स्ट वीडियो से आपको NTSE के बारे में हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.